हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ के 94। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्नों को जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आज का, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दो गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो हम ट्रिक से ही बनाएंगे। वह ट्रिक है दर बराबर लिखेंगे गुना माइनस वन बटे में समय और गुणे में 100। तो गुना कितना दिया है, यहाँ पे दो गुना दिया है, तो गुना की जगह 2 माइनस 1 और बटे में समय कितना दे रखा है, 15 वर्ष। तो नीचे में लिखेंगे 15 और यहाँ पे लिखेंगे गुणे में 100। तो अगर यहाँ पे घटाएंगे तो 1/15 हो जाएगा और गुणे में 100। काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 × 10 यानी यहाँ पे होगा 20/3। 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 6/2/3 यानी 6/2/3% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर भी वही ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक कितना है, दर बराबर होता है गुना माइनस वन गुणे 100 और बटे में होता है समय, ये समय होता है। अब गुना की जगह हमको लिखना है 2 माइनस 1 बटे में समय दे रखा है 5 वर्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और गुणे में यहाँ पे 100 लिखना है। अब इसको घटाएंगे तो 1/5 होगा गुणे में 100, 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा और यही क्या होगा, 20% क्या होगा, दर होगा और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न है एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अब इस बार क्या पूछा है, समय पूछा है तो समय बराबर फार्मूला लगाएंगे, समय बराबर गुना माइनस वन बटे में यहाँ समय दे रखा है तो नीचे में दर लिखेंगे और गुणे 100। तो कितना गुना दिया है, 4 गुना, तो गुना के जगह 4 माइनस 1 और यहाँ पे लिख लेंगे गुणे में 100 और दर कितना दे रखा है, 10%, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 4 + 1 = 3/10 होगा और गुणे में होगा 100। 10 से काटेंगे तो 1 0 कटा और ये कितना बच गया, 30 वर्ष हो गया। समय पूछा है तो 30 वर्ष होगा। ठीक है, अब दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको एक और बता दूं, इससे आसान ट्रिक, अगर ये ट्रिक जान जाते हैं तो और भी ये क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा, अगर दो गुना दिया है तो इसके लिए हम 100 रखेंगे, अगर 3 गुना दिया है तो उसके लिए 200 रखना है और 4 गुना अगर दिया है तो इसके लिए 300 रखना है और 5 गुना दिया है तो इसके लिए 400 रखना है। ठीक है, अभी मैं इसको हल करके अभी बता रहा हूँ ट्रिक से। देखो इस ट्रिक से कैसे होगा, अब यहाँ पे देखिए ये कितना दे रखा है, 4 गुना दे रखा है ना, तो हम क्या रखेंगे, 300 रखेंगे, ऊपर में लिख देंगे 300, ऊपर में 300 और बटे में लिख देंगे 10। समय कितना दे रखा है, ये दर कितना दे रखा है, 10%, तो नीचे में 10 लिखेंगे और यहाँ से हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 होगा यानी 30 वर्ष हो जाएगा,
ये 30 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये ट्रिक सबसे आसान है, आप चाहें तो इस ट्रिक से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। तो समय बराबर हम क्या लिखेंगे, गुना -1/10, कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3-1 और बटे में दर कितना दिया है, 5 दिया है, गुणे में 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 = 2/5 × 100, 5 से काटेंगे तो 5 × 10 यानी 20 बचा, और 20 का 2 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों एक और ट्रिक से हम हल कर सकते हैं, इससे आसान ट्रिक है। अभी हम बताएं कि अगर मान लीजिए अगर 2 गुना दिया है तो इसके लिए हम 100 रखेंगे, और 3 गुना दिया है तो इसके लिए 200 रखना होगा, 4 गुना दिया है तो 400 रखना होगा। अब 5 गुना अगर दिया है तो यहाँ पे 300 होगा, और 5 गुना दिया है तो 400 यहाँ पे रखना है। अगर ये चीज़ अगर आप याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही बनाना आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम स्ट्रिक से हल करके बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 गुना दिया है तो 3 गुना के लिए हम क्या रखेंगे, 200 रखेंगे। तो यहाँ पे सीधे ऊपर में 200 लिख देना है, और नीचे दर कितना दिया है, 5%, तो नीचे में 5% लिख देना है, और 5 से काट देना है तो 5 × 20 यहाँ पे हो गया 40 वर्ष। एक लाइन में आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।